कठोर जल साबुन के साथ अच्छे झाग नहीं देता, इसका कारण है। बताइए, कठोर जल साबुन के साथ अच्छे झाग नहीं देता, इसका कारण क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, जिनकी वजह से साबुन है वो घुल नहीं पाता है, जिसकी वजह से साबुन है वो घुल नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों कठोर जल है वो साबुन के साथ अच्छे झाग नहीं देता। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, किसी भी धातु का प्राकृतिक यौगिक जिससे धातु लाभदायक विधि से प्राप्त की जा सकती है कहलाता है। किसी भी धातु का प्राकृतिक यौगिक जिससे धातु लाभदायक विधि से प्राप्त की जा सकती है कहलाता है, तो दोस्तों क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अयस्क कहलाता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अयस्क। नेक्स्ट आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है, बताइए क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है, तो दोस्तों क्या नाम है? तो वो है टेट्रा क्लोरोमिथेन, टेट्रा क्लोरोमिथेन। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उसको संरक्षण बोलते हैं। ठीक है, संरक्षण। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्रोमियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रोमियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्रोमियम। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, क्लोरोफॉर्म कार्बन के विषय में निम्न में से एक तथ्य सही नहीं है। क्लोरोफॉर्म कार्बन के विषय में निम्न में से एक तथ्य सही नहीं है, तो वो कौन सा तथ्य सही नहीं है बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए ये वाष्पशील कार्बनिक कार्बन यौगिक है, बिल्कुल सही है। इन्हें फ्यून भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनका उपयोग शीतलन उद्योगों में होता है, बिल्कुल सही है। ये वायुमंडल में ओजोन परत की सुरक्षा करते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये अपना कथन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है बताइए? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डेक्रोन। डेक्रोन 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डेक्रोन। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल प्राकृतिक फाइबर है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल प्राकृतिक फाइबर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेशम। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, नाइक्रोम किन किन धातुओं की मिश्र धातु है? नाइक्रोम किन किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये लोहा, क्रोमियम और निकिल। लोहा, क्रोमियम और निकिल की दोस्तों ये मिश्रित धातु है। ठीक है, कौन? नाइक्रोम। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हवाई जहाज की बॉडी बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है बताइए? हवाई जहाज की बॉडी बनाने में कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ड्यूरालुमिन। नेक्स्ट आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, पॉलीथीन
के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक काम आता है? पॉलिथीन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक काम आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो दोस्तों C2H4। तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, C2H4। नेक्स्ट आगे देखिए, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका जो कारण है वो है वे कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं, वे कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पीतल में तांबे को इस तत्व के साथ मिश्रित किया जाता है, पीतल में तांबे को इस तत्व के साथ मिश्रित किया जाता है, तो किस तत्व के साथ में बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जिंक के साथ में। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 16 नंबर का प्रश्न है, एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रशीतक है, बताइए एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रशीतक है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, उसको बोलते हैं दोस्तों फ्यून बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्यून बोलते हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही, फ्यून। नेक्स्ट आगे देखिए, तांबे के प्रमुख अयस्क हैं, तांबे के प्रमुख अयस्क हैं तो वो क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है मेलाकाइट ग्रीन है, ये तांबा का प्रमुख अयस्क है दोस्तों, ठीक है याद रखना मेलाकाइट ग्रीन। तो यहां पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हेमेटाइट है, ये लोहे का है। आगे देखिए, रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है, एलडीसी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये फ्यून का उपयोग किया जाता है दोस्तों, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फ्यून का उपयोग किया जाता है। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सीएनजी का प्रमुख घटक है, सीएनजी का प्रमुख घटक है, एलडीसी 2011 में ये प्रश्न है वो पूछा गया है, सीएनजी का प्रमुख घटक है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है मीथेन। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मीथेन इसका बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एलपीजी के घटक हैं, एलडीसी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, एलपीजी के घटक हैं तो दोस्तों कौन से घटक हैं एलपीजी के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन ये दोनों के दोनों दोस्तों एलपीजी के क्या हैं, घटक हैं। तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए 3 और 4 इसमें क्या है, सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, वाशिंग सोडा है, बताइए वाशिंग सोडा क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है वाशिंग सोडा है ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है वाशिंग सोडा। तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग जल की कठोरता को स्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग जल की कठोरता को स्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किसके उष्मण द्वारा किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किसके उष्मण द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों जिप्सम के द्वारा। तो यहां पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम के द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न है दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, केलामिन किस धातु का अयस्क है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, केलामिन किस धातु का अयस्क है, जैसे हेमेटाइट है वो लोहे का है। ठीक है, तो यहाँ पे केलामिन किस धातु का अयस्क है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है जस्ते का है ये। ठीक है, जस्ते का ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जस्ते का। 25 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC को किस नाम से भी जाना जाता है, बताइए CFC को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको फ्यून के नाम से जाना जाता है, दे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अनाकार अपर रूप है, बताइए कौन सा कार्बन का अनाकार अपर रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लैंप ब्लैक है ये दोस्तों
कार्बन का अनाकार अपर रूप है। राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, लकड़ी का कोयला किसका एक अपर रूप है, बताइए लकड़ी का कोयला किसका एक है अपरूप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का, ठीक है, कार्बन का अपरूप है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः कहाँ कहा जाता है, बताइए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है क्या, बताइए, तो दोस्तों इसको बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस यौगिक को कास्टिक सोडे के रूप में जाना जाता है, बताइए कास्टिक सोडे को कास्टिक सोडे के रूप में जाना जाता है किस यौगिक को। तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, NaOH को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, बताइए धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर सही नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। आगे देखिए, गलत कथन की पहचान कीजिए, दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, गलत कथन बताना है कि कौन सा इसमें गलत कथन है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम दोनों ही साबुन कठोर जल में प्रभावी होते हैं, गलत हो जाएगा दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही साबुन है वो कठोर जल में प्रभावी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अपना पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। बाकी का देखिए, साबुन का आयनिक भाग जल के साथ परस्पर क्रिया करता है, बिल्कुल सही है। आमतौर पर सोडियम साबुन की तुलना में पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए नरम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपके पास में निरंतर है वो पहुंचता रहे, ठीक है, यह आपको विशेष तौर पर दोस्तों इसमें याद रखना है। और रोजाना आपको हमारे साथ में चलना है, एक एक प्रश्न है वो दोस्तों महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के पेस्ट की एक मोटी कोटिंग एक टूटी हड्डी पर पट्टी पर प्रयुक्त होती है, टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए इसे सुखाने पर यह कठोर हो जाता है, यह पीओपी, बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी के पेस्ट की एक मोटी कोटिंग एक टूटी हड्डी पर पट्टी पर प्रयुक्त होती है, टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए इसे सुखाने पर यह कठोर हो जाता है, यह पीओपी दोस्तों, यह पीओपी उत्क्रम नहीं हो सकती है, उत्क्रम है वो नहीं हो सकती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन एक और कथन दो दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। दोस्तों देखिए, कथन एक देखिए, साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के लवणों युक्त जल के साथ झाग नहीं बनाता है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, दीर्घ श्रृंखला वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में अविलय होते हैं, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन है वो सही है, और कथन एक और कथन दो है ये का दो कथन एक है ये कथन दो का सही स्पष्टीकरण भी है। तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए पहला नंबर का जो कथन है ए नंबर का, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए, कांसे का उपयोग मूर्तियों तथा पदक बनाने में किया जाता है, जबकि पीतल का उपयोग बर्तन वैज्ञानिक उपकरण तथा कारतूस बनाने में किया जाता है। कांसा और पीतल दोनों ही ताम्रयुक्त मिश्र धातु है, तथापि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि दोस्तों इस रूप में है कि पीतल में जस्ता और कांसे में
टिन का अतिरिक्त अंश होता है। दोस्तों पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो बताइए कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए ये तो सभी को पता है दोस्तों, सीयू कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट धातु है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में धातु या अधातु दे रखा है और सूची सेकंड में विशेषता दे रखी है, मिलाना है दोस्तों अपने को यहाँ पे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे तो तभी एक बार साथ ले लेते हैं। देखिए पारा, दोस्तों पारा है ये, इसमें देखिए इसकी विशेषता, अकेला धातु जो सामान्य ताप पर द्रव्य है, बिल्कुल सही है। आयोडीन का देखिए दोस्तों, आयोडीन है दोस्तों, ये एक चमकदार अधातु है। ठीक है, और हीरे की विशेषता क्या है दोस्तों, हीरे की विशेषता है कि कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ एवं अधातु है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट है एक अधातु जो विद्युत का चालक है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4312 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपना इसमें 4312 कौन से ऑप्शन में, बे नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे दी गई धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जस्ता, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, सीसा दे रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों इसमें पोटेशियम, फिर आएगा दोस्तों इसमें कैल्शियम, ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें जिंक तीन नंबर पे, फिर आएगा दोस्तों इसमें सीसा, लेड ये चार नंबर पे, और कॉपर आएगा दोस्तों इसमें पांच नंबर पे। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 4215 4215 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर 4215 यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ये जूनियर अकाउंटेंट में ये पूछा गया प्रश्न है 2023 में, एक्स एक नरम तत्व है और जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसे खुली हवा में नहीं रखा जा सकता और वह पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, तो एक्स को पहचानिए। तो दोस्तों एक्स क्या है, दोस्तों एक्स है वो सोडियम है। ठीक है, सोडियम को अपन है वो खुली हवा में नहीं रख सकते, यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 90% ओजोन वायुमंडल की कौन सी परत में होती है, बताइए 90% ओजोन वायुमंडल की कौन सी परत में होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, कौन सी परत में होती है, समताप मंडल में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, समताप मंडल में। देखिए जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है, क्योंकि अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है क्योंकि क्योंकि दोस्तों अपमार्जक क्योंकि अपमार्जक है दोस्तों सल्फोनिक अम्लों को अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण या अमोनियम के क्लोराइड या ब्रोमाइड लवण होते हैं जो कठोर जल में उपस्थित दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अवक्षेप नहीं बनाते। तो बिल्कुल सही है, द नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न, इसमें देखें नीले रंग का खनिज लेपिसल जुली जिसका उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है, तो दोस्तों बताइए नीले रंग का खनिज लेपिसल जुली जिसका उपयोग
अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, देखिए वुमन एम्पावरमेंट यानी कि सुपरवाइजर में ये प्रश्न पूछा गया था, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नायलॉन रेसे बने होते हैं, नायलॉन जो रेसे हैं वो किसके बने होते हैं, तो दोस्तों पॉलीएमाइड बहुलक से बने होते हैं, दोस्तों ये पॉलीएमाइड बहुलक से बने होते हैं, ये भी सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ब्रोमीन, तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। आगे देखिए पारा धातु का मुख्य अयस्क है, पारा धातु का मुख्य अयस्क है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, सिनाबार, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही सिनाबार। आगे देखिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी में मुख्यतः होता है, बताइए सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेथेन, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, तो दोस्तों कौन सी है स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu+2, Ag+ और Au+3, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए CET 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था 12th लेवल में, 11 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट आगे देखिए बेंजीन का नाइट्रेशन है, बताइए बेंजीन का नाइट्रेशन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है, बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किस धातु का निष्करण केवल विद्युत अपघटन के लिए किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए हीविया ब्रसिलियनसिस का सामान्य नाम है, हीविया ब्रसिलियनसिस का सामान्य नाम है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसका सामान्य नाम है रबर, क्या नाम है रबर, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो क्या हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रबर। आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, बताइए ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें षटकोणीय वलय, षटकोणीय वलय, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा षटकोणीय वलय। आगे देखिए अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली धातु है, तो वो कौन सी धातु है दोस्तों, अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली धातु है, तो वो कौन सी धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिलिकन, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है, बताइए एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों सीओ। ठीक है राइट आंसर इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सीईटी में पूछा गया प्रश्न है निम्न में से कौन सी लोह अयस्क की किस्म है, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों लोह अयस्क की किस्म है वो कौन सी है, तो दोस्तों हेमेटाइट है वो लोह अयस्क की किस्म है, देखिए सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है, ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए दुर्बल वांडर
वाल्स बल से, दुर्बल वाल्स बल से दोस्तों ग्रेफाइट की विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है। देखिए सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए असत्य कथन को अपने को यहाँ पर छांटना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। देखिए ग्रेफाइट में वी स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट को एक स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट विद्युत प्रभावित नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, विद्युत प्रभावित करता है। ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है, प्रकृति में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सोना, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सोना। 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए डायमंड है, तो डायमंड क्या है, तो दोस्तों ये कार्बन का अपर रूप है डायमंड। तो यहां पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन का अपर रूप है डायमंड, सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है कहलाता है, तो दोस्तों क्या कहलाती है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है निस्तापन, ठीक है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निस्तापन, सीईटी 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है, निम्न में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बताइए कौन सा। तो दोस्तों ये है ग्रेटिन है ये, ठीक है, ग्रेटिन, ग्रे एसएन बोलते हैं इसे। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए कार्बन का कौन सा अपर रूप है जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है बताइए। दोस्तों कार्बन का कौन सा अपर रूप है जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है फुलरीन, फुलेरीन। तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फुलेरीन, ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह है, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है बताइए, तो वो है समान आयनिक विभव, समान आयनिक विभव। तो यहां पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, समान आयनिक विभव। नेक्स्ट आगे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया था मैथ साइंस के अंदर 2022 में, CaSO4 1/2 H2O। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इसमें रेयॉन, रेयॉन है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो यहां पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए आर्टिफिशियल रेनिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है, तो वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड। तो यहां पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीईटी 2022 में ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न है, वो पूछा जा चुका है 8 जनवरी को। आगे देखिए दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित अपने को यहाँ पर करना है, ये भी प्रश्न है वो सीईटी 2022 में ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए दोस्तों प्राकृतिक बहुलक कौन किस में होता है, प्राकृतिक बहुलक दोस्तों वो है स्टार्च एवं सेल्यूलोज, और ताप दृढ़ बहुलक ये हो जाएगा दोस्तों इसमें बेकेलाइट, प्रोटीन हो जाएगा दोस्तों अमीनो अम्लों का बहुलक, और ताप सुगटे बहुलक है ये दोस्तों पीवीसी में हो जाएगा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है DABC, DABC। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए,
डीएबीसी। देखिए ये रहा पहला नंबर का, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओजोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर देखिए, ओजोन का निम्न स्तर मात्रा या सौरमंडलीय ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें पहला पहला ही कथन है वो क्या है, सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 7 जनवरी को पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न पर विचार कीजिए, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोन्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन समताप मंडलीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों ही हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का, सॉरी 6 नंबर का ऑप्शन, 1, 2, 3 तीनों इसमें सही है। सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए कॉलम एक में दिए गए रासायनिक पदार्थों का कॉलम सेकंड में दिए गए उपयुक्त अनुप्रयोग से मिलान करें। दोस्तों देखिए, कॉलम वन में देखिए ब्लीचिंग पाउडर, कॉलम वन में क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है ये दोस्तों। इसका उपयोग व्यंजनीकरण में किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों बेकिंग सोडे का प्रयोग है वो दोस्तों एंटासिड बनाने में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और वाशिंग सोडा में दोस्तों, वाशिंग सोडा का प्रयोग कांच बनाने में किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है ये दोस्तों H2 और Cl2 के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 कौन से ऑप्शन में, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, एन परमाणुओं की 3.011 × 10^23 संख्या का द्रव्यमान क्या है, बताइए। स्कूल लेक्चरर 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, तो वो है दोस्तों इसमें देखिए 7G, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है तो वो क्या है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है 3:8, 3:8 है, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न है, उसमें देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का 100% पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, बताइए। किस पदार्थ का 100% पुनर्नवीनीकरण है वो किया जा सकता है? फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है कांच का, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन सही, कांच। आगे देखिए, अमलगम मिश्र धातु है, अमलगम मिश्र धातु है। तो दोस्तों ये भी देखिए फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है, तो ये मरकरी की मिश्र धातु है दोस्तों, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक समान होते हैं, किसी तत्व के समस्थानिक समान होते हैं तो दोस्तों परमाणु क्रमांक के। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, परमाणु क्रमांक के। आगे देखिए, सामान्य सूत्र CnH2nO2 एक विवृत श्रृंखला का हो सकता है, वह है। तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कंप्यूटर चिप में ज्यादातर काम में आने वाली धातु है तो वो कौन सी धातु है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता है, सिलिकन है। कौन सी है? सिलिकन। राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अपर रूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है, अपर रूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है उनके उनके दोस्तों भौतिक गुणों से, भौतिक गुणों में, ठीक है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भौतिक गुणों में। आगे देखिए, वह गुण जो कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है, वह गुण जो कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गलनांक। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही,
ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, पृथ्वी या धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है बताइए। तो दोस्तों वो है ओस्मियम, ओस्मियम है दोस्तों। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर है 6 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और ऑर्गन परमाणु संख्या 18 दो तत्व हैं, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, इन तत्वों को कहा जाता है। तो दोस्तों इन तत्वों को क्या कहा जाता है बताइए। तो दोस्तों इन तत्वों को कहा जाता है आइसोबार, आइसोबार कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, आइसोबार। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है बताइए, किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्लोरोप्रीन। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हेडमास्टर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में क्या होता है बताइए। दोस्तों साबुन के अणु में है वो एक जलरागी शीर्ष और एक जल विरागी पूंछ होती है, ठीक है, एक है जलरागी शीर्ष और एक है जल विरागी पूंछ होती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 6 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सार नहीं है बताइए, कौन सा सार नहीं है। हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें C2H5OH, C2H5OH, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, अपने को बताना है कि इनका नाम क्या है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं बताइए, दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसे, ठीक है। बेकिंग सोडा को तो दोस्तों इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा को इसको बोलते हैं दोस्तों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, डेकाहाइड्रेट। तो और जिप्सम को बोलते हैं दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइडेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों 3, 1, 5, 2, 4, दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हेडमास्टर में पूछा गया प्रश्न है, 3, 1, 5 कौन से ऑप्शन में, 3, 1, 5 ये रहा, ठीक है। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नियोप्रीन रबर बहुलक है बताइए, नियोप्रीन बहुलक रबर बहुलक है। तो दोस्तों ये क्लोरोप्रीन का बहुलक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्रीन, ठीक है। तो यानी कि इसमें बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए कंप्यूटर वाले में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने सफेद व पीले बादलों से बना है जो बने हैं, शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने सफेद व पीले बादलों से बना है जो बने हैं। तो दोस्तों ये सल्फ्यूरिक अम्ल के बने हैं, राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही, सल्फ्यूरिक अम्ल के। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बनिक क्रियात्मक समूह है उपस्थित होता है बताइए, किस कार्बनिक सॉरी किस यौगिक में कार्ब सॉरी निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्लासिकल क्रियात्मक समूह है उपस्थित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें, ये होता है दोस्तों एस्पिरिन में। तो यहाँ पर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फॉरेस्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, सबसे अधिक आघात वर्धे धातु है, सबसे अधिक आघात वर्धे धातु है तो वो कौन सी है। तो दोस्तों वो है सोना, कौन सी है, सोना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही, सोना। आगे देखिए, सफेद पेंट में सबसे ज्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है, सफेद पेंट में सबसे ज्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है तो वो कौन सा है। तो वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है बताइए।
दोस्तों कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है, तो दोस्तों बताइए, तो इसमें दोस्तों sp3d वाली जो संकर अवस्था है वो दोस्तों नहीं दर्शाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सही नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। देखिए फॉरेस्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलिन का जल नहीं होता, बताइए निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है खाने का सोडा अथवा मीठा सोडा में, सही नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेयन को, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रेयॉन। आगे देखिए साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है, साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सोने के, यहाँ पर सही नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही सोने के। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दनाइनित अपमार्जक है, बताइए कौन सा दनाइनित अपमार्जक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फॉरेस्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए कांसे की मूर्ति में ज्यादातर होता है, कांसे की मूर्ति में ज्यादातर क्या होता है, तो दोस्तों इसमें कॉपर तथा टिन होता है, कॉपर तथा टिन होता है, कॉपर तथा टिन, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फॉरेस्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए मोबाइल फोन की बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग प्रमुखतः किया जाता है, तो कौन सी धातु का प्रयोग प्रमुखतः किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथियम धातु का, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही लिथियम धातु का। आगे देखिए सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पोलोनियम के, यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पोलोनियम के। आगे देखिए निम्न में से यानी कि इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाती है, बताइए कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2 जुलाई 2022 को जो री एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आलू के चिप्स आदि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उनकी पैकेजिंग में कौन सा नामक यानी कि कौन सी नामक अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन नामक अक्रिय गैस का प्रयोग है वो किया जाता है, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा गया था। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये सामान्य विज्ञान के टॉपिक वाइज प्रश्नों में दूसरा नंबर का टॉपिक है धातु और अधातु से संबंधित ये क्वेश्चन करवा दिए हैं, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।